हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे हेलो। भाई, मुन्ना बोल रहे हैं, मुन्ना आसाम वाले। हाँ हाँ बोलिए। हाँ भाई, आपका फोन आ रहा था। मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ कौन? भाई, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ। बताइए, आपका फोन आ रहा था दिन में, क्या हाँ कोई काम था? हेलो। 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 हाँ, मुन्ना भाई बोल रहे हैं। हाँ मैं मुन्ना का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा, मुन्ना भाई नहीं है? ठीक वो मुन्ना नमाज पढ़ने गया था। है ठीक है, आ जाए तो बता दीजिएगा। अफू भाई का फोन आया था, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। दोस्त कौन? अरे उनका दीनी भाई। हाँ ठीक रखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुनिए। जो हाँ बताइए। हाँ, हमारा मुन्ना है ना, और उसका बहुत गुस्सा है। ऐसे भाई, काहे का गुस्सा? ही वो गुस्सा करता रहता है। आप उसका दोस्त हो तो उसको समझाइए थोड़ा। बहुत गुस्सा करता है, कोई कुछ करता है मार देता है। अच्छा, हाँ नहीं ये तो गलत नमाज बात पढ़ने है। जाता है, लेकिन कोई कुछ करता है तो पूरा गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे तो बोलेगा कि नमाज भी पढ़ता है और आदमी सबको ऐसे गुस्सा भी दिखाता है। नहीं, ये तो गलत है भाई। भाई दीन इस्लाम में मेरे भाई जो गुस्सा है वो तो हराम है, और गुस्से पे हमें काबू करना चाहिए। ठीक है, वही इंशाल्लाह हम तो, समझा देंगे। उसका बहुत गुस्सा है अभी। वो लोग को कोई कुछ बोलता है तो बहुत गुस्सा, कभी माँ को भी मारने के लिए करता है। माँ को मानने के लिए? वो ही कभी गुस्सा हो जाता है तो मतलब किसी को नहीं पहचानता, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा थोड़ा अच्छा समझा ठीक दीजिएगा उसको। उसका है। कितनी उम्र है उसकी? अभी 19 हो गया, 19। 19 साल का। ठीक है ओके, हम जा देंगे। हाँ, आप उसका दोस्त कैसे हुआ? व्हाट्सएप से? वो हाँ ठीक है। तो हमारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि मतलब वो नहीं इतना नहीं वो मतलब तो गुस्से इज्जत वाला है। कर देखिए, इज्जत करता है वो। मैं सुन रहा हूँ आप उसको कुछ सिखा रहे हो, ये नमाज की कुछ ये सिखा रहे हो, लेकिन वो सब लेके भी वो इधर कोई कुछ उसको बोल देगा, वो भी तो गुस्सा हो जाता है। नहीं, हम समझा देंगे। वो आ जाएगा नमाज पढ़ के, तो इस नंबर पे मिस कॉल मार दीजिएगा, तो हम हाँ मतलब पलट के कॉल कर लेंगे। मतलब क्या ना, कोई कुछ बोलता है मतलब उसका ही सही है, वो जो बोल रहा है उसका ही सही है, वो किसी को नहीं सुनता है। कोई कुछ नमाज के बारे में कुछ बोलेगा मतलब तो कौन सी बात पे उस बहस होती है? मतलब वो दीनी बात पे या मतलब ये नहीं दुनियावी नहीं बात? ऐसे तो दीनी बात पे तो ऐसे हमारे इधर का जो दीनी भाई है उन लोगों के साथ भी बहस होता ही है, लेकिन जो ऐसे भी उसका गुस्सा ही बहुत मतलब गुस्सा खतरनाक है। गुस्सा आ जाएगा तो किसी को नहीं पहचानता है। अच्छा, ठीक है, हम समझा देंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अभी उससे बात कर लेंगे, इंशाल्लाह समझा देंगे इसको। ठीक हाँ, अभी है। मतलब वो आपको ही फोन लगा रहा है, लेकिन मैं ये मोबाइल दूसरा मोबाइल से आपको फोन कर रहा है, लेकिन मैं ये मोबाइल कोई दूसरा फोन करके बोल के सुपके से ले आया। अच्छा, वो अभी आपको ही फोन कर रहा है, दूसरा मोबाइल से आपको ही फोन कर रहा है। मैं ये मोबाइल सबसे से ले आके, मैं मतलब गाँव का कोई लड़का फोन किया है, इसे बिल्कुल देख के आ गया। अच्छा, नहीं मतलब वो बोल रहा है आप कुछ ये नमाज के बारे में कुछ सिखा रहे हो उसको। हाँ, मैंने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना, हम तुम्हारे मतलब साथ हैं। परेशानी नहीं, मतलब जो अभी मतलब जो आज हमारे इधर जो सब लोग नमाज पढ़ता है तो दूसरे तरीके से पढ़ता है, तो आजकल वो दूसरे तरीके हम लोग मतलब हम लोग जब हमको जब बचपन पे सिखाया था नमाज के लिए, हम लोग जब मदरसा में मस्जिद पे गया था सिखाया था, तो जी, वो तरीका से आजकल वो नहीं पढ़ता है, तो उससे उसको देखता है, सब लोग अच्छा उसको ठीक। बोलता है कि तुम ऐसे क्यों पढ़ते हो, तो उसके ऊपर भी वो गुस्सा होता है। और उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा है।
तो इसके ऊपर भी वो गुस्सा हो जाता है। देखो अभी देखो सुन रहा है कि हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अपू भाई। हाँ मुन्ना भाई सब खैरियत? हाँ हाँ एक मिनट जा एक मिनट, मेरे भाई ने आपको क्या बोला अभी? अरे कुछ नहीं बोला, मतलब वो मतलब मुझसे गुस्सा होता है हर रोज, मतलब मैं आप लोगों की तरह नमक करता हूँ ना। अच्छा अच्छा, इसलिए वो कहता है कि मैं आपको गाली दूंगा ऐसा बोलता है मुझे। अच्छा अच्छा, इसको आपको गाली देगा या मुझे? आपको गाली देंगे या मुझे? आपको आपको। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे आपसे बोलना था कि हमारा जो इमाम साहब है ना, उन्होंने बोला कि आपको वो विचर का नमाज जो है ना उसका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। विचर का नमाज जो होता है ना ईशा में, वो तरीका चेंज करना पड़ेगा। अच्छा तरीका? हाँ इमाम साहब ने बोला हमारे, बोला कि तुम वहाबियों की तरह नमाज पढ़ते हो तो तुम अपना फिक्र के नमाज का तरीका जो है ना वो चेंज कर लो। चेंज करना पड़ेगा मुझको भाई। देखिए मेरे प्यारे मुन्ना भाई, सबसे पहली चीज तो आप पहले भाई एक चीज बताइए कि आप हमको अपना मेरे भाई क्या मतलब आप मेरी इज्जत करते हो कि नहीं ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको अपना भाई मानते हो कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल। आपको हमसे मोहब्बत है कि नहीं देनी? हाँ बिल्कुल है। तो आज आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप आज के बाद किसी से भी कोई भी भाई वो झगड़ा फसाद बहसबाजी और गुस्सा ये सारे काम आप बिल्कुल छोड़ देंगे। जी नहीं नहीं, मेरे भाई ने बोला ना आपको? नहीं नहीं किसी ने, अरे किसी ने कुछ नहीं बोला है। आप खाली पहले हमसे वादा कीजिए कि आप किसी से गुस्सा गर्मी और लड़ाई झगड़ा और फालतू की बहसबाजी आज के बाद आप एकदम छोड़ दीजिएगा। अब सुनिए, पहली चीज तो किसी से आप ये ना कहिए कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो मतलब ये फला वहाबी की तरह पढ़ रहे हैं या एक हमारे भाई हैं वो ऐसा पढ़ते हैं। सीधे कहिए हम उस तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। ठीक, मैं ऐसा बोलता हूँ लेकिन वो लोग मानते नहीं है। नहीं मानते उनको छोड़ दीजिए। देखिए अल्लाह के नबी ने भी अपने चचा को बहुत दावत दी लेकिन उनके चचा ने कभी नहीं मानी, आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हक मतलब उनके सामने आएगा भाई वो देख नहीं पाएंगे और भाई वो हक बातें उनके पास आएगी वो उसको सुन नहीं पाएंगे। और ये तो कुरान की आयत भी है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, मतलब भाई वो देख के भी नहीं देखते हैं, सुन और सुन मतलब भाई वो आवाज आने के बावजूद भाई उसको नहीं सुनते हैं। तो ये बहरे गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। मतलब आप अपने हिसाब से अपनी बात उन लोगों को भी रास्ते पिलाओ। नहीं वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन आपका काम मेरे प्यारे भाई खाली कहना है भाई, आपको हक पहुंचा देना है, मनवाना नहीं है, जबरदस्ती उनके ऊपर चालू नहीं हो जाना है कि नहीं माननी है। आप मानते कैसे नहीं है? अल्लाह के नबी ने भाई, अल्लाह के नबी का भाई वो मतलब उनके जो भाई चचा थे उनका इंतकाल हो गया, मतलब एकदम ही हो रहा था और अल्लाह के नबी ने कहा कि चचा मेरे कान में तुम इस्लाम कबूल कर लो, एक बार ईमान तुम ले आओ। लेकिन नहीं, उन्होंने भाई नहीं लिया। तो उन्होंने हमेशा प्यार से दावत दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं चचा अब मैं तो भतीजा हूँ और मतलब भतीजा एकदम भाई वो राइट टाइम हो गया है और भतीजा अल्लाह का नबी है, मैं तुमसे कह रहा हूँ इस्लाम कबूल करो। और करते कैसे नहीं हो, करना ही पड़ेगा मेरे ऊपर, मतलब अल्लाह ने भाई ये ड्यूटी दी है कि लोगों को मतलब भाई वो हक बात बताऊं तो तुमको भी मानना ही पड़ेगा। मानते कैसे नहीं हो, नहीं मानेंगे तो अभी तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई दीन में किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये सूरह बकरा की आयत है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए अभी भी आप भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो कुरान हदीस पे आए हैं तो पहले खुद भाई मतलब एकदम अच्छे से उसको भाई अमल कीजिए। अमल करने के बाद भाई वो कुरान हदीस को मतलब भाई पढ़िए समझिए, ठीक है, इल्म हासिल कीजिए और आपको जो भी थोड़ा बहुत इल्म है वो लोगों को आप मतलब भाई बताते रहिए लेकिन किसी के हाथ धो के पीछे ना पड़िए, ठीक। हाँ
हाथ जो तो पहले यह नहीं हुई आज वो के लोग बाद मेरे आपका से वादा है ज्यादा। कि आज के बाद आप किसी से फालतू बहस गुस्सेबाजी नहीं करेंगे? हाँ ठीक है ना, वादा है कि नहीं? देखिए मोमिन जो होता है वादा कभी तोड़ता नहीं है, तो आप हमसे वादा करेंगे कि नहीं करेंगे? वादा करेंगे, लेकिन वो लोग अगर बहस को शुरू करता है तो मैं भी तो बोलूंगा ना कुछ। अरे पहले आप वादा तो कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं तरीका। ठीक है भाई, बाबा बा, बा, वादा कर दिया। ठीक है, पक्का वादा है? फिर वादा तोड़िएगा ना, हाँ पक्का, नहीं दोस्ती भी टूट जाएगी, ये हम बता दे रहे हैं। ये नहीं दीदी। हाँ चलिए, देखिए देखिए हम जानते हैं जो आजकल के हनफी जाहिल मुकल्लिद हैं, इनकी उंगली करने की आदत है, आप समझ रहे हैं। मेरे पास भी सैकड़ों के फोन आते हैं, फेस टू फेस हमसे मिलते हैं, बहसबाजी करते हैं, उंगली करते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कभी हाइपर नहीं हुआ हूँ। मैं प्यार से उनको उनके ही मतलब भाई वो जो बिछाए हुए जाल होते हैं उनमें उनको अटका देता हूँ, आप समझ रहे हैं। आप कभी किसी मुकल्लिद के कोई भी सवाल का जवाब ना दीजिए, उनसे आप उनसे मांगिए दलील। अगर आप सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हैं और आपसे भाई वो कह रहे हैं अरे तुम तो वहाबियों की तरह मतलब सीने पे हाथ बांध रहे हो, सीने पे तो औरतें हाथ बांधती हैं और सीने पे हाथ बांधना गलत है, तो उनसे कहिए चलिए ठीक है भाई सीने पे हाथ बांधना गलत है, तो सबसे पहले जाके आप अपनी अम्मा की, बहन की, बीवी की, बेटी की जाके उनकी सलाह कीजिए, ठीक। आप और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सीने पे हाथ बांधना मतलब भाई खाली औरतों के लिए है और आदमियों के लिए नहीं है, तो उनसे कहिए अल्लाह के नबी ये हमें एक हदीस बता दीजिए कि ए औरतों तुम लोग नमाज में हाथ सीने पे बांधो, ए मर्दो ए साहबा तुम लोग नाक के नीचे हाथ बांधो। भाई औरतों मर्दों का नमाज का तरीका तो बिल्कुल सेम है, बस उसमें जो मसले मसाइल है उनमें फर्क है। हमारे यहाँ पे जो जितने भी दामाद का लोग है ना सब दो किताब पे अमल करते हैं, एक है फजाइल अमल और एक है फजाइल सदकात। इन दोनों पे लगे हुए हैं दिन रात। हाँ तो चलिए देखिए, अब कोई आपको फजाइल अमल मानिए आपको कोई बता रहा है तो उनसे कहिए आपके फजाइल अमल में उतरा हुआ है, ठीक है, कि हाँ, एक सैयद साहब का भाई किस्सा लिखा हुआ है कि उन्होंने बारह दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी और पंद्रह साल तक उनके लेटने की नौबत नहीं आई और कई कई दिन बीत जाते थे कि कोई चीज उनको चखते भी नहीं थे। तो अब बताइए उनसे कहिए कि फजाइल अमाल पढ़ने वाला आज की तारीख में कोई अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुआ है? जो 12 दिन तो छोड़ो, खाली 2 दिन भाई वो एक ही मतलब भाई वो वजू से भाई वो सारी की सारी टाइम की नमाज पढ़ ले, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वो फजाइल अमाल तो मेरे भाई देखिए फजाइल अमाल इंसानों की लिखी हुई भाई किताब है और हम जो पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला का कलाम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो मतलब भाई आप जो पूछ रहे थे कि मतलब वो कौन सी नमाज, वित्र की नमाज? हाँ तो वित्र में क्या मतलब आपसे वो कह रहे थे? हमारे यहाँ पे वित्र की नमाज जो मगरिब के नमाज होता है ना 3 रकात के, उस तरह पढ़ के लास्ट में रफायदन करके कुनूत पढ़ के कब मतलब मुकम्मल करते हैं नमाज। हाँ ये हनफी लोग का तरीका है ना, आप कैसे पढ़ते हो? तौकीद रहमान जो है ना सऊदीया के, उनकी तकरीर में सुना कि वितर का नमाज जो 2 रकात पढ़ के 1 रकात ऐसे कुछ। मतलब आपको तरीका मालूम है कि नहीं मालूम है? ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं फटाफट। ना मालूम? हाँ चलिए देखिए, वित्र की नमाज जो हनफी लोग पढ़ते हैं, जो भाई वो वित्र की जो आखिरी मतलब होती है रकात उसको उसमें जो रफादायन करते हैं वो किसी हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। वित्र में जो हनफी भाई लोग यानी कि मतलब भाई ये देवबंदी और बरेलवी ये जो भाई जो एक्स्ट्रा वाला रफादायन करते हैं वो मेरे भाई दुनिया में उसकी कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है और इतने बड़े बेवकूफ हैं कि कहते हैं कि नहीं रफादायन मनसूख हो गया मनसूख हो गया मनसूख हो गया, खाली एक ही मतलब रफादायन मतलब बचा है वो है भाई वो तकबीर तहरीमा का, बाकी सारे रफादायन मतलब भाई वो मनसूख हो गए। तो ईद की भाई जो ईद की नमाज होती है ईद की नमाज में काहे के लिए रफादायन करते हैं, जो वित्र की नमाज होती है उसमें जो तीसरी होती है रकात भाई उसमें काहे के लिए मतलब भाई वो लोग करते हैं रफादायन। भाई मनसूख हो गया तो मनसूख हो गया भाई छोड़ो ना, ये कौन सा दोगलापन है कि आधी आधी जगह मनसूख हो गया
आधी जगह बाकी रह गया, मतलब ये तो अपने मनमाना दीन से, और दुनिया में कोई एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें वित्र की तीसरी मतलब भाई वो ज़कात में जो एक्स्ट्रा वाला रफा दैन होता है वो हाँ। किसी सहाबा से नहीं साबित है और ना ही कभी अल्लाह के नबी ने ऐसा किया। अब आज की तारीख में वित्र की नमाज हम कैसे पढ़ें, हम मेन सवाल हाँ। आता है ये, ठीक। तो इस चीज को एकदम गौर से आप सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और ऑडियो भी हम आपको भेज देंगे ताकि ऑडियो में आप बार बार उसको सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आप उसको बता दीजिएगा। अगर वो आपको उसमें अटकाता है, फंसाता है और गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस अपने इमाम साहब से एक बार मेरी बात करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, आपके इमाम साहब को इंशाल्लाह पानी ना पिला दिया ना तो फिर अफसोस लो फिर आप, ठीक है। ज्यादा बड़ा बोल क्या बोले भाई, अल्लाह ताला को बड़ा बोल पसंद नहीं है। अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह आपके आलिम दीन आपके सामने फोन काट के ना भाग जाए ना तो मेरा नाम भी अफू खान नहीं, ठीक। अफू खान एक बात बोलूं, ताबीज जो होता है, ताबीज लिखने वाला शीख होता है ना, ताबीज, हाँ, तो हमारी इमाम साहब को ताबीज देते भी है लेते भी है तो वो तो काफिर हो गया ना। तो वही तो बता रहे, देखिए ये सब भाई, ये सब भाई, ये दुआ ताबीज, जादू टोना, गंडा ताबीज, मतलब ये सब करने वाले इमाम हैं, इनको क्या पता अल्लाह के नबी ने कैसे नमाज पढ़ी, इनको क्या पता अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे साहबा भाई वो वित्र की नमाज कैसे पढ़ते थे, कितनी पढ़ते थे, ठीक है। अब खैर आपको बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वरना बात बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएगी। देखिए वित्र की नमाज तो पहले आते हैं इसके माने के ऊपर, जो भाई इसका जो माना होता है वित्र का, उसका माना होता है ऑड यानी कि ताक, ठीक। ताक क्या होता है, ताक मतलब भाई वो होता है कि जो मतलब भाई मतलब जो उसका मतलब भाई वो एक ही आए, आप समझ रहे हैं, उसको किसी भी चीज से आप भाग देंगे तो वो एक आना चाहिए, यानी कि एक, तीन, पांच, सात, ठीक है, इस टाइप से अगर आप मतलब भाई वो जो होती हैं गिनती उनको कहते हैं ऑड नंबर, और अरबी में उसको कहते हैं ताक। तो अल्लाह सुबहान व तआला वित्र है, अल्लाह सुबहान व तआला ताक है, अल्लाह सुबहान व तआला एक है, ठीक, और अल्लाह ताला वित्र है और अल्लाह ताला ताक को पसंद करता है, ठीक है। अब ताक जो अदद होते हैं, अदद का माना ये होता है कि अल्लाह के नबी मतलब भाई वो अल्लाह के नबी मतलब जब कोई चीज खाते तो भाई वो या तो एक खाते या तो तीन खाते या तो पांच खाते या तो सात खाते, आप समझ रहे हैं, मतलब ताक में। सो ये अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, ठीक है, कि मतलब भाई वो जो ताक अमल होते हैं उसको ज्यादा मतलब पसंद करते थे। अब आते हैं वित्र की नमाज के ऊपर, ठीक है। तो वित्र मतलब आज मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो आम तौर पे हनफी हैं वो लोग सोचते हैं कि जो मतलब वित्र है वो खाली मतलब भाई तीन रकाते हैं, ठीक है, वो खाली मतलब भाई तीन ही रकाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी से अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे प्यारे सहाबा से साबित है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने एक रकात वित्र भी पढ़ी, तीन रकात भी पढ़ी, पांच भी पढ़ी, सात भी पढ़ी, नौ भी पढ़ी, ठीक। तीन रकात कैसे पढ़ते हैं, हाँ तीन रकात का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो, आप समझ रहे हैं, मतलब वित्र को मगरिब से अलग करो, तो इसका माना क्या है कि जो देखिए तीन रकात वित्र भी है और जो क्या बोलते हैं, हाँ ये मगरिब की नमाज है भाई, वो भी तीन रकात है। तो अल्लाह के नबी जब कह रहे हैं कि वित्र को मगरिब से अलग करो तो इसका माना ये भी तो है ना कि अल्लाह के नबी ने अलग करके बताया होगा। अब अल्लाह के नबी ने कैसे अलग किया, क्या मतलब ये हनफियों की तरह अलग किया। अब जैसे हनफी लोग कहते हैं कि हाँ देखो अल्लाह के मतलब प्यारे नबी ने फरमाया कि जो वित्र है उसको मगरिब से अलग करो, तो देखो वित्र में हम लोग तीसरी भाई वो हम लोग रकात में जाते हैं, दोनों हाथों को कानों तक भाई हम लोग उठा लेते हैं, अलग हो गई। तो ये मनमाना तरीका नहीं है अलग करने का, इसका तरीका हदीस में आया है कि अगर आपको एक रकात वित्र पढ़ना है तो उसका तरीका अलग है, तीन का अलग है, पांच का अलग है, ठीक है, सात का अलग है, नौ का अलग है, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दे रहे हैं तीन रकात वाला, ठीक है, क्योंकि
मतलब अक्सरियत लोग भाई तीन ही पढ़ती है, ठीक है। ओके, तो तीन रकात वितर पढ़ने के दो तरीके हैं, आप एकदम गौर से सुनिएगा। हाँ, तीन रकात पढ़ने के भाई वो मतलब भाई वो दो तरीके आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में, और दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, जायज हैं, और दोनों तरीके में से जो तरीका आपको पसंद हो, आसान लगे, आप आराम से भाई वैसे पढ़ सकते हैं। चाहे तो दोनों तरीके से बारी बारी पढ़ लें कि एक दिन इस तरीके से पढ़ लिया, एक दिन अगले तरीके से पढ़ लिया, या आप चाहें तो जिंदगी भर एक ही तरीके से पढ़ें, लेकिन जो बात हदीस से साबित है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि आखिर भाई वितर को मगरिब से कैसे अलग करना है। तो तीन रकात भाई जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ, जो तीन रकात हम लोग पढ़ते हैं वितर की, वो भाई वो मतलब भाई दो तरीके से साबित है। एक है कि तीन रकात वितर एक सलाम से, एक सलाम से कैसे अभी सब बता रहे हैं कैसे, पहले जो जो हम बोल रहे हैं वो आप मतलब भाई वहां से बोलते जाइए, तीन रकात वितर एक सलाम से, आया समझ में। हाँ, तीन रकात वितर एक सलाम से। हाँ, अब जो इसका दूसरा तरीका है वो है तीन रकात वितर दो सलाम से, तीन रकात वितर दो सलाम से, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब देखिए, जो ये तरीका है तीन रकात भाई पढ़ेगा आदमी एक सलाम से, तो एक सलाम का मानना क्या है, एक सलाम का मानना ये नहीं कि वो खाली एक साइड सलाम मतलब भाई फेरेगा, हाँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप समझ रहे हैं, इसका मानना ये नहीं है। इसका मानना ये है कि सारी की सारी नमाज में एक बार इंसान भाई वो मतलब अत्तयात में बैठ के एक बार सलाम फेरेगा खाली अपनी भाई वो दाई और बाई जाने, यानी कि आपने भाई अल्लाह मतलब भाई एक मिनट आपको थोड़ा और आसानी से हम बता देते हैं, ठीक है। असल में फोन पे समझाना थोड़ा मतलब भाई वो मतलब मुश्किल होता है, वीडियो वीडियो अगर बनता या आमने सामने होते तो आपको पढ़ के बता देते, लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से रहमत से आपको बताने की भाई हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, वितर अगर आपको पढ़नी है तीन रकात और एक ही मतलब भाई वो सलाम से, तो उसका माना ये है कि उसमें एक कायदा होगा, यानी कि आप आए भाई वो मस्जिद के अंदर आए, आपने अल्लाहु अकबर कहा, एक रकात पढ़ा, एक रकात पढ़ने के बाद आप मतलब भाई उठ गए और आपने भाई वो दूसरी आपने पढ़ ली, तो दूसरी के बाद जो हम लोग मतलब भाई वो बैठते हैं थोड़ी देर, हाँ, तो दूसरी में बैठना नहीं है, दूसरी में डायरेक्ट खड़े हो जाना है तीसरी के लिए, खड़े हो जाना है, हाँ दूसरी में डायरेक्ट खड़े हो जाना है, उसके बाद जब हम तीसरी जब हम पढ़ लेंगे तो खाली उसमें बैठेंगे और मतलब भाई वो अत्तयात पढ़ेंगे, अल्लाह के ऊपर अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो दुरूद भेजेंगे, उसके ऊपर भाई वो दुआए मसूरा पढ़ के दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि तीन रकात वितर एक सलाम से। हाँ, और दूसरा दूसरा तरीका बता रहे ना, पहले आपकी जाला समझ में आया कि नहीं। हाँ आया, क्या आया मतलब कैसे पढ़ेंगे, अभी मानिए कोई हनफी आलिम आपसे पूछेगा, अरे हाँ, एक सलाम से तीन रकात वितर भैया कैसे पढ़ोगे, तो आप क्या बताओगे। मैंने अल्लाह अकबर बोला, बोल के एक रकात मुकम्मल किया, फिर दूसरा फिर दो रकात के लिए सजदे में गए, फिर उठ के चले आए, फिर तीसरी रकात में फिर सूरह फातिहा पढ़ के फिर सजदे में जाके दुआ पढ़ी, ये हो गई ना तीन रकात। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये आपने एक सलाम से तीन रकात आपने वितर की पढ़ ली। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके के ऊपर, ठीक। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि तीन रकात वितर दो सलाम से, ठीक, यानी कि आपने अल्लाह अकबर किया, उसके बाद एक रकात मतलब आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाँ, पहली रकात पहली आपने पढ़ ली, उसके बाद दूसरी में आपको अत्तयात में बैठना पड़ेगा, और दूसरी में अत्तयात पढ़ के आप दोनों तरफ सलाम भाई फेर देंगे, उसके बाद फिर से आप खड़े होके खाली एक रकात पढ़ेंगे सिंगल, उसके बाद भाई मतलब अल्लाह अकबर कहेंगे, उसके बाद अपने हाथों को बांधेंगे और मतलब भाई पढ़ेंगे, उसके बाद उसी रकात में आप बैठ जाएंगे और अपने दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो ये हो गया तीन रकात वितर दो सलाम से। और कुनूत कहाँ पढ़ेंगे, अरे वो भी सब बता रहे मेरे भाई, आपको अधूरे में हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम आपको मतलब
इतना समझा दे रहे हैं कि आप मतलब दूसरों को भी ना समझाना, पहले खुद अमल करके देखना, आप समझ रहे हो। ये नहीं कि मेरी बात सुन के आपने दूसरों से बात करने पहुंच गए, पहले जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आज रात को वैसे ही आप नमाज पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, 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 ताकि पहले आप अपना अमल कर लें ताकि बाद में दूसरों को बताएं। हाँ, तो तीन रकात वित्र एक सलाम से, इसका माना क्या है कि पहली रकात पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, उसके बाद दाएं बाएं भाई सलाम फेर दिया। तो ये भाई होती है तीन रकात वित्र एक सलाम से, और जो भाई वो तीन रकात वित्र होती है दो सलाम से, तो मतलब भाई उसका तरीका ये है कि आपने पहले एक रकात पढ़ी फिर दूसरी पढ़ी, दूसरी में आप अत्तहियात में बैठे, अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद शरीफ भेजा, उसके बाद भाई वो मतलब भाई वो दुआए मासूरा पढ़ा और दाएं बाएं सलाम फेर दिया, उसके बाद फिर से आप खाली एक रकात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से अत्तहियात में बैठेंगे, अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो दुरूद भेजेंगे, उसके बाद भाई वो दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो ये आपका हो गया तीन रकात वित्र दो सलाम से। अब ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक। तीन रकात वित्र आप एक सलाम से भी मतलब भाई पढ़ सकते हैं, ये भी साबित है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हदीस से। और भाई वो वो दो सलाम से तीन रकात वित्र भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हदीस से साबित है। अब आते हैं कि मतलब भाई वो दुआए कुनूद हम कब कहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप तीन रकात आप पढ़ रहे हैं एक सलाम से, तो जो आखिरी आपकी रकात होगी उसमें उसमें आता है कि अल्लाह के नबी जब भाई वो आखिरी उसमें होते थे रकात में, ठीक है, वित्र की, ठीक है, तो उसमें आखिरी रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हु अल्लाहु अहद ये अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। अगर आपको कुल हु अल्लाहु अहद आपको आती है तो आप मतलब भाई ये कोशिश क्या कीजिए कि वित्र की आखिरी आखिरी जो रकात होती है उसमें आप सूरह फातिहा के बाद कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े। अगर आपको नहीं आती है या मतलब भूल गए कोई और पढ़ ली तो भी जायज है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है वो ये है कि तीसरी रकात में वित्र की आखिरी मतलब तीसरी क्या मतलब जो आखिरी होती थी रकात, ठीक है, वित्र की, उसमें अल्लाह के नबी सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे, ठीक। अब आपने मानिए, अब देखिए आपने एक रकात पढ़ ली, उसके बाद दूसरी पढ़ ली, उसके बाद आप तीसरे में है, ठीक। तो तीसरे में आपने मतलब भाई वो अल्हम्दो पढ़ा, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, उसके बाद आप मतलब भाई वो मतलब अपने दोनों हाथों को अपनी छाती तक उठाएंगे, रफा देन जैसे हनफी लोग करते हैं, दोनों हाथों को कांधों तक उठाते हैं, जैसे मतलब भाई वो तकबीरे तहरीमा पे करते हैं, तो वैसा वाला रफा देन हमको नहीं करना है। जो बुखारी शरीफ में आया हुआ है वो आया है कि अल्लाह के नबी जब मतलब भाई वो वित्र में दुआए कुनूत पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को उठाते छाती तक, जैसे आप भाई वो मतलब भाई वो दुआ मांगते हैं दुआ की शक्ल में, हाँ, तो वैसे आपको खड़े होके अपने दोनों हाथों को छाती तक उठाना है और उसमें आपको दुआए कुनूत पढ़ना है, हाथ उठा के दोनों दुआ कुनूत पढ़ना है। हाँ, हाथ उठा के दुआए कुनूत पढ़ना है। अगर हाथ ना भी उठाए तो भी जायज है, लेकिन दुआ के भाई ये आदाब है कि आदमी अगर हाथ को उठा के मांगे तो ये बहुत मतलब भाई अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप हाथों को उठा के ना अगर आप मांगे दुआ तो भी मतलब आपकी मतलब भाई वो आपकी नमाज हो जाएगी वित्र की, लेकिन हाथों को उठा के मांगना अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये अच्छी चीज है, क्योंकि इंसान भाई वो दुआ मांगता है अल्लाह से तो अपने हाथों को फैला के अगर अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। हाथ कहाँ तक उठाना पड़ेगा? हाथ आपने आप अपने दोनों हाथ सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, आपने अलहमदो पढ़ा, अलहमदो के बाद भाई वो कुल अल्लाह पढ़ा, अब सीने से दोनों हाथों को खोल के छाती तक, जैसे मतलब भाई अब वो दुआ मांगते हैं ना दुआ की शक्ल में, हाँ, हाथ बनाते हैं ना, तो वैसे अपने हाथ छाती तक आप उठाएं और उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ें और उसके बाद रुकू में जाएं, आप समझ रहे हैं। हाँ,
अब तो ये, अब ये जो मामला हो गया ये हो गया कि रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ने का मसला। अब आप कर, आपको रुकू के बाद अगर दुआए कुनूत पढ़ना है तो उसका मसला, ठीक मतलब, हाँ बोलो, हाँ तो उसका मसला आपको बता दे रहे हैं। तो अगर आपको, आपने रुकू से पहले अगर पढ़ लिया है ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साबित है, एकदम जायज है। अब अगर आपको रुकू के बाद पढ़ना है तो जैसे आपने अपने दोनों हाथ सीने पे बांध के आप भाई अलहमदो पढ़ रहे हैं, फिर कुल अल्लाह पढ़ा, फिर आपने भाई वो अल्लाह अकबर कह के भाई आप रुकू में गए, और रुकू से जब आपने मतलब भाई वो पढ़ लिया ठीक है, तस्बीह जो होती है रुकू की, उसके बाद आप फिर से कहेंगे अल्लाह अकबर, तो भाई अब एकदम मतलब भाई वो स्ट्रेट एकदम हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ठीक है। और सजदे में जाने से पहले फिर अपने दोनों हाथों को छाती तक उठा के आप दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ। और उसके बाद भाई वो दुआए कुनूत पढ़ने के बाद जो हाथ हैं ठीक है, जो आपने मतलब भाई उठाए हुए हैं दुआ की शक्ल में, उसको नमाज में अपने चेहरे पे हाथ ना फेर लीजिएगा, आप समझ रहे हैं, खाली हाथ उठाना है, दुआए कुनूत पढ़ना है, फिर हाथों को छोड़ के सीधे मेरे भाई अपना उसमें चले जाना है सजदे में, अल्लाह अकबर कहते हुए बस आप सजदे में चले जाइए। हाँ भाई समझ में आ गया। अरे क्या समझ में आया मेरे भाई, हम तुमको समझाने के चक्कर में हम ना भूल जाए। भाई आ गया भाई समझ में। हाँ तो अब ये देखो, अब कोई अब अगर कोई तुमसे हनफी आलिम कहे कि हाँ ये तुम लोग छाती में हाथ उठा के नमाज पढ़ लो, ये कौन सा तरीका आ गया, नया तरीका आ गया वितर में, मतलब तुम लोग हाथ को मतलब भाई वो दुआ की शक्ल में उठा के दुआ कुनूत पढ़ लो, ये तो आज हम पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि आप जो मक्का मक्का मदीना और जो भाई वो हरम शरीफ है उसका हवाला देते हैं कि देखो वहाँ 20 रकअत तरावी हो रही है, तो वहाँ 20 रकअत जो मतलब भाई तरावी होती है उसके बाद जो भाई मतलब भाई वो नमाज होती है वित्र की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे नमाजी जो होते हैं वो अपने हाथों को दुआ की शक्ल में उठा के भाई वो पढ़ते हैं दुआए कुनूत, ठीक है। तो उनसे बता दीजिएगा कि हरम शरीफ में भी ऐसे ही वित्र की भाई वो नमाज पढ़ी जाती है, जो वित्र की आखिरी जो मतलब भाई होती है रकात, उसमें अपने दोनों हाथों को छाती तक उठा के दुआ की शक्ल में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, उसके बाद मतलब भाई अगला स्टेप हम लोग करते हैं ठीक है। और ये मतलब भाई ये दुआ में दोनों हाथों का छाती तक उठाना ये हनफी भाई ये हनफी फिका से भी साबित है ठीक है। इसके हवाले की जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमें, कोई भी आपसे मतलब कोई बहस फसाए आप फौरन उससे हमारी बात करवा देना ठीक। ओके सर। अब आते हैं मेन इसके बाद की वित्र, मतलब जो भाई ये वित्र की नमाज आपने पढ़ ली ठीक, एक सलाम से 3 रकाते, एक सलाम से 2, 1 रकात और 3 रकात, अरे 3 रकात एक सलाम से, हाँ ठीक, और 3 रकात 2 सलाम से, हाँ तो ये 3 रकात पढ़ने के 2 तरीके आए हुए हैं ठीक है। हाँ अब आप बताइए, चलिए फटाफट आपका होने वाला है टेस्ट, तो भाई अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई जरा हमको ये बता दीजिए कि अगर हमें भाई वो 3 रकात फित्र अगर एक सलाम से पढ़ना हो तो उसका तरीका क्या है, बताइए फटाफट। उसका तरीका पहले रकात मुकम्मल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा कर तीसरा, तीसरे में सूरह फतिहा के साथ सूरह इखलास, इखलास के बाद साथी का हाथ उठाकर कुनूत, कुनूत पढ़ के रुकू पे जाना है, उसके बाद सीधा करके नमाज मुकम्मल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। अच्छा ये अब थोड़ा हमें ये बता दीजिए कि अगर हमको 3 रकात फित्र अगर 2 सलाम से पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। 2 सलाम से पढ़ना हो तो 2 रकात पढ़ के सलाम फिर के फिर 1 रकात, एक रकात में सूरह फातिहा, उसके बाद इखलास, उसके बाद दुआ कुनूत, उसके बाद रुकू करना है, उसके बाद सीधा करना है। नहीं, ये 2 रकात में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गया, देखिए मतलब भाई ये 3 रकात वितर 2 सलाम से जो होता है ठीक है, तो उसमें पहले जो हम लोग पढ़ेंगे 2 रकात वो जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं 2 रकात बस वैसे पढ़ेंगे बिल्कुल, उसमें ना हमको मतलब भाई मतलब वो मतलब भाई अपने हाथों को छाती तक उठाना है ना कुछ करना है ठीक है।
दो रकात नॉर्मली पढ़ के सलाम फेर देंगे, फिर जब तीसरी रकात के लिए हम लोग खड़े होंगे दोबारा नियत बांध के, जब हाथ बांधेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक। उसके बाद हम लोग दोनों हाथों को छाती तक उठा के दुआए कुनूत पढ़ेंगे और दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ये हमारा भाई कंप्लीट हो गया कि तीन रकात वितर दो सलाम से। अब इसमें एक सवाल आता है कि अगर किसी को दुआए कुनूत मतलब भाई अगर उसको याद ना हो तो वो क्या करे? हाँ तो क्या करे? तो हमारे यहाँ पे सूरह जो इखलास है ना, वो ही पढ़ने को कहता है। कौन कहता है? हमारे इमाम साहब बोलता है कि अगर कुनूत अगर याद ना हो तो सूरह इखलास पढ़ लिया करो। हाँ अगर मतलब भाई मतलब अगर वो दुआए कुनूत कोई को याद ना हो तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले वो तीन बार। हाँ खैर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए हाँ। दुआए कुनूत अगर आपको अगर याद भाई वो नहीं है तो सबसे अच्छी चीज है कि उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक। हाँ हाँ। जो दुआए कुनूत मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से साबित है, ठीक है, वो आसानी से मिल जाएगी आपको, उसको हाँ। उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद ना हो रही हो तो आप बिना दुआए कुनूत के भी वितर की नमाज पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है। बिना हाँ बिना भाई वो मतलब भाई वो बिना दुआए कुनूत जो एक दुआ होती है कुनूत के, अगर हाँ, याद है मुझे। अगर आप उसको ना भी पढ़े तो भी वितर आपकी नमाज हो जाएगी, हाँ ठीक है। लेकिन इसको मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब छोड़ दें। अगर आप वाकई याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहन आपका बिल्कुल कमजोर है नहीं याद हो रहा है तो बिना दुआए कुनूत के भी आपकी वितर की नमाज हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो दुआए कुनूत की जगह जो और दुआएं हैं, ठीक है, जैसे मतलब आखिरत में आखिरत के मतलब अजाब से बचने के लिए तो आप वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं, जैसे रब्बना आता ही ना फिर दुनिया हसनता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखिए जब हाँ अगर मतलब भाई किसी के छींक आए तो उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। हाँ और उसका जवाब क्या देना चाहिए? यरहमकुमुल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये आप फौरन जवाब दे दिया कीजिए, ये मुसलमानों का हक है, ठीक है, कि छींक का जवाब देना। अब खैर चलिए, अब आपके तरीका समझ में आ गया ना मेरे प्यारे भाई? हाँ आ गया। हाँ तो रखे फोन। और एक बात बोलो। और सुनिए एक चीज आपको हम मतलब बता दें, ठीक है। किसी हाँ। से कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है, आराम से प्यार से आपको अपनी इबादत करना है, इल्म हासिल करना है, ठीक है। और जो आज आज जो हमने आपको तरीका बताया है इसको आराम से आप मतलब भाई आज से ऐसे नमाज पढ़िएगा, इसी तरीके से हमारे अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे साहबा नमाज पढ़ते थे। अब अगली बार आपको कॉल करके बताएंगे एक रकात वितर पढ़ने का तरीका, पांच रकात वितर पढ़ने का तरीका, सात रकात पढ़ने का तरीका और नौ रकात पढ़ने का तरीका, ठीक। आपने दस वाला अमल सुना क्या? दस वाला अमल। दस वाला अमल हाँ। ये क्या है भाई? बला मतलब कोई वो दस बला को मारने वाले कोई इबादत पैदा हो गई? गश्त वाला अमल। अच्छा गश्त। हाँ जिसमें मतलब जाते हैं लोगों के पास, क्या हाँ, भाई हमने भी कलमा पढ़ा है, आपने भी कलमा पढ़ा है, हम कलमे की मतलब भाई वो आपसे बुनियाद पे मिलने आए हैं और आइए इंशाल्लाह मस्जिद में आइए, दीन की बात हो रही है। और बेचारा आधे से ज्यादा लोग तो बहाना बना देते हैं, कहते हैं हाँ इंशाल्लाह आते हैं नमाज में आते हैं, और आधे से मतलब ज्यादा लोग जो बेवकूफ बन के उनके साथ चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के नबी की तो बात ही नहीं चल रही है, वहाँ तो फजाइल अमाल की कहानी किस्से वाकियात चल रहे हैं। हाँ वही। तो क्या हो गया गश्त में? क्या तो फायर से बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। और भाई एकदम गुस्सा ना कीजिएगा, ठीक है, आराम से प्यार से रहिए। हम लोग अहले हदीस है, हमारे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि भाई हमारे अंदर भाई वो सब्र होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। हाँ, अगर आप हाँ, चाहते हैं कि लोगों को आप भाई वो दीन की दावत दें, कुरान हदीस की दावत दें और लोग आपकी बात को माने, तो एक दाई के अंदर जो सबसे अहम चीज होना चाहिए वो होनी चाहिए दो चीजें, एक इल्म और दूसरा सब्र, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास खाली इल्म है और भाई वो सब्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे इल्म का, आप समझ रहे हैं।
चलिए ठीक है, ओके रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।